मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज उज्जैन की शिप्रा नदी में डुबकी लगाकर मां शिप्रा पर सियासत कर रही कांग्रेस को करारा जवाब दिया। रिपोर्ट देखिए। मोक्षदायिनी कही जाने वाली उज्जैन की शिप्रा नदी के प्रदूषण पर जारी सियासत के बीच सूबे के सीएम मोहन यादव डुबकी लगाने पहुंचे। शिप्रा नदी में गंदगी का आरोप लगा रही कांग्रेस को जवाब देते हुए सीएम मोहन यादव ने शिप्रा नदी में न केवल डुबकी लगाई, आचमन किया, बल्कि काफी दूर तक तैराकी भी की। दरअसल मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव उज्जैन में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान सीएम सबसे पहले दत्त अखाड़ा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्रोच्चारण के बीच मां शिप्रा की पूजा की और चुनरी चढ़ाई। इसके बाद नदी में डुबकी लगाई और तैराकी भी की। इतना ही नहीं, मोक्षदायिनी में गंदगी का आरोप लगा रही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा, विपक्ष अब मां शिप्रा पर भी सियासत कर रहा है। परंपरा है कि यहाँ स्नान के बाद अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग मां शिप्रा पर प्रश्न करते हैं। बीते दिनों उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार शिप्रा के घाट पर पहुंचे थे और जमकर हंगामा काटा था। महेश परमार का आरोप था कि शिप्रा में नाले का गंदा पानी मिल रहा है, जिससे शिप्रा प्रदूषित हो रही है। उन्होंने इसी पानी में डुबकी भी लगाई थी, आचमन कर विरोध दर्ज कराया था। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये स्थिति है। मैंने आज माँ छिपरा माँ में डुबकी लगाकर प्रतिज्ञा ली है कि जब तक छिपरा माँ शुद्ध होगी, गंदे नाले मिलना बंद होंगे, मेरी लड़ाई जारी, जब तक मेरे सांस में सांस प्राण अंतिम सांस तक जब तक मेरा जीवन है, मैं छिपरा माँ की लड़ाई लड़ूंगा। कुल मिलाकर शिप्रा का प्रदूषण लोकसभा चुनाव में उज्जैन के लिए बड़ा मुद्दा है। आगामी 13 मई को उज्जैन सीट पर वोटिंग होनी है और ऐसे में जनता को तय करना है कि वो किसकी बात पर भरोसा करके अपना कीमती वोट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।